दोनों भी उठा कप 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 नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? बिरजू नाम है जी। बिरजू सर कहाँ से आए हो आप? मोहाना से जी, जिला मेरठ, तहसील मोहाना। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए हो? उत्तर प्रदेश से। अच्छा अच्छा, तो कितने जानवर खरीदे सर आपने? जानवर खरीदे जी आठ। आठ यहाँ तो लेने खरीदने के लिए आए हैं। खरीदने के लिए आए हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब इतनी दूर से आप आए हो, तो क्या कारण है कि आप इतनी दूर से ये बैल लेके? यहाँ का बैल खूबसूरत होता है, सुंदर। अच्छा। हाँ, दिमागदार होता है। अच्छा। भाग दौड़ में बढ़िया होता है। हाँ। खेती के लिए बढ़िया होता है। तो खेती आजकल करते हैं क्या इन बैलों से? गन्ना बाते हैं, ईख। अच्छा अच्छा, गन्ने से करते हैं। गन्ने की खेती होती है। सस्ता पड़ता है कि गन्ना? क्या किस काम में लेते हो गन्ने में? गन्ने चीनी बनती है, ये तो जुताई करते हैं गन्ने की। गन्ने की जुताई करता है? हाँ जी। तो ये तो दिखने में काफी खूबसूरत है, मतलब ये अट्रैक्टिव लगता है। हाँ जी हाँ जी, चार छह छह दांत है। छह छह दांत के? हाँ जी। कम उम्र का लग रहा है? हाँ, कम उम्र के नए बच्चे हैं। छह दांत का है ये? हाँ जी, छह दांत का है। वो भी छह दांत का ही? वो भी छह दांत का है। तो इसमें जैसे आपने खरीदा, तो आपने तो मेले में तो बहुत सारे जानवर आए हुए हैं, है ना? सबसे फर्स्ट नंबर यही थे। सबसे फर्स्ट नंबर ये थे। मेरे को भी ये लग रहा है, जैसे एक तो अट्रैक्टिव है जैसे ये वाला है ना, और जैसे मैं मेले में नजर दौड़ा रहा हूँ, तो यही सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर यही है। पहचान है मतलब आपको खरीदने की? है, बाप दादा इसी में गुजर गए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, कितने साल से कर रहे हो आप? हमारे तो पीढ़ियों से शौक है। अच्छा। बैल का, घोड़े का यही शौक है। तो आजकल जैसे बैल इनकी मिल जाती है, कीमत मिल जाती है क्या? मिल जाती है जी। अच्छा, ये तो कितने में खरीदा आपने? जी ये 80,000 रुपये में खरीदा जी, दोनों जोड़ा। अच्छा, 80,000 में जोड़ा खरीदा जी। ये तो महंगा लग रहा है, फिर आपने कम कराए? इतने ही बताए थे? इतने ही, उन्होंने 1.5 लाख रुपए बताए थे। 1.5 लाख रुपए बताए? डेढ़ से फिर 120 पे आए। कई दिन इनके पीछे पीछे रहे घूमते हुए। कई दिन? कई दिन, तीन दिन से तो इनके पीछे ही रहे। तो ये भी अच्छा, इतनी मेहनत से मिलते मतलब हैं? खूबसूरती में यही समझ में आए, और कोई समझ में ही नहीं आया। अच्छा, मतलब आपको भी लेना ही था? मतलब यही लेने थे, कम से कम भी 1,000-1,200 तो पशु हो गए यहाँ। हाँ। उनमें यही समझ में आए। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ, बड़ी चोट में तो यही समझ में आया। अच्छा, मेरे को ये चीज़ बताओ आप कि जैसे नागौरी में आप तो मतलब आपको तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ना, तो आप क्या चीज़ देखते हो नागौरी बैल के अंदर की? नागौरी की गर्दन लंबी होती है। अच्छा। पूँछ छोटी होती है, कमला नहीं होता। अच्छा, पूँछ छोटी होती है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो। और जी पैर सीधे होते हैं? पैर सीधे होते हैं। हाँ जी। मूतनी नहीं होती, पेशाब करने वाली जो छोटी होती है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये भी बहुत छोटी होती है? हाँ जी जी, लटकती, बहुतों की लटकती है। अच्छा, वो लटकती है, देसी वाले होते हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। देसी है क्या? हाँ, देसी होते हैं। बड़े कान होते हैं उनके, मोटा मुंह होता है। हाँ। इनका मुंह बारीक होता है। मुंह बारीक होता है? हाँ। कान छोटे होते हैं, पूंछ छोटी होती है? पूंछ छोटी होती है, टांट लंबी होती है। क्या ये जो टांट बोलते हैं जिसको, ये बड़ी होती है? ये बड़ी होती है, लंबी। जितना खिलाएंगे उतनी अच्छी मतलब बढ़ता जाएगा। और कान छोटे होते हैं? सींग? सींग सुंदरता पे होते हैं, काले होते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं होते? ज़्यादा बड़े भी होते हैं, बहुत बहुत बड़े हो जाते हैं, ये तो छोटे हैं अभी। बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ता? नहीं 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 नहीं, वो बहुत सुंदर लगते हैं, जितने बड़े होंगे उतने ही सुंदर लगेंगे। और पाँव? मतलब पाँव सीधे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मूतनी छोटी होती? बिल्कुल है। तो बिल्कुल है, आपने तो पूरी की पूरी पहचान बता दी। बिल्कुल, जैसे नीलगाय का, नीलगाय के बीच से बनाया हुआ हो, ऐसे होता ही है। अच्छा, नीलगाय की जैसे होता है।
और यहाँ में भी इसकी आंख भी बड़ी होती है सुंदरता पे। अच्छा, एक जैसे काजल सा लगा हुआ और रहता है इनकी आंखों के अंदर, काफी खूबसूरत होती है ना, और इनकी सबकी लगा रहता है कि ये जैसे ऐसा होता है, कुदरती ऐसा होता है, काजल नहीं लगता इनमें, काजल नहीं लगता मतलब कि काले होता है जैसे कि काजल लगाया हुआ हो। ये खूबसूरती की राजस्थान की प्रकृति है कोई ये बात। और ये केवल यही होता है या और कहीं भी होता है ये? राजस्थान में अच्छा होता है, नागौर के अंदर, नागौर ही है ना, नागौर, सीलगांव, तरनाऊ, डांगावास, रोलमुंडवा, इन यहाँ इस जगह पे होता है बढ़िया। अच्छा, तो आपको जैसे खरीदना होता है तो आप इसी मेले में आते हो या और भी आप मतलब किसी को सप्लाई करवा देते हो मतलब? और भी साथ के आते हैं लेने के लिए, वो भी लेते हैं। और अगर मान लो किसी बंदे को चाहिए और आपसे लेना, तो आप दिलवा देते हैं? दिलवा देते हैं। या आपके पास रहते हैं? आपके साथ आते हैं ना, हमारे साथ आ जाते हैं तो उनको दिलवा देते हैं, क्योंकि गांव में जाके जो अच्छे पैसे लगते हैं तो बेच भी देते हैं, नहीं तो पालते हैं। तो इनकी जो मतलब जो ओरिजिनल ब्रीड होती है और मिक्स में तो क्या अंतर हो जाता है, जैसे कि कोई मिक्स भी हो जाता है तो उसमें क्या फर्क आ जाता? मिक्स का अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। जो देसी का मिक्स हो जाता है, अमेरिकन का मिक्स हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता, उसके तो टांट छोटी हो जाती है और पूंछ लंबी हो जाती है, कमला जो चद्दर होती है ये लंबी ढीला हो जाता है, सुंदरता नहीं होती उसमें, सुंदरता नहीं होती। ये वाला ये भी छह दांत का है क्या? ये भी छह दांत का है जी, आंखें सुंदर है इनकी, सब चीज खूबसूरत होती है, खूबसूरत है मतलब। बस 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 डाबो डाबो नारा, इनको काबू में करने कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, लगता तो डर लगता है, बहुत डर लगता है जी। हाँ। पहले पहले बहुत डर लगता है। हाँ। ऐसे हो जाते हैं जैसे खा जाएंगे। हाँ। और फिर जब मिल जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे दोस्ती दोस्ती, जिधर से भी आओगे घूमोगे तो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, देखेगा कि हाँ हमारा मालिक आ रहा है, रुक जाओ। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ जी, ये मतलब इसलिए आपने इतने अच्छे दाम दिए मतलब, है ना? तो आपने क्या किसान से खरीदे क्या? हाँ जी, किसान से खरीदे, व्यापारी से खरीदे? हाँ, नीम जी से खरीदे, व्यापारी से? हाँ जी, व्यापारी से खरीदे। नहीं, यहाँ का ही है, अपने राजस्थान का है। हाँ। ये रोलमुंडवा का। अच्छा, मुंडवा गाँव है ना, वहाँ का है। तो सर जी आपके नंबर दो, नंबर ले लो, 99 11 34 08 39। और किसी को चाहिए तो आप करवा दोगे कोई? क्या जी, किसी को चाहिए बैल? हाँ हाँ, तो करवा देंगे आप? हाँ, यहाँ अपने गांव में जाते हैं, वहाँ दिलवा देते हैं। वहाँ अगर यूपी में चाहिए तो आप वहाँ से दिला देते हैं।